Hello everyone, this is Manji from evithadi.in. I'm here again with the new chapter, chapter number 5. Name of the chapter is Lines and Angles. So this is an introduction video. इस video के अंदर हम chapter में जो जो topics आ रहे हैं, जिस base questions होते हैं, वो सारी concepts discuss करेंगे. अगर आपको introduction video अच्छे से समझ आ गई, तो exercises के questions आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे. So let's quickly get started. The name of the chapter is Lines and Angles. अब इस चैप्टर में जिस अकॉर्डिंग चलना है तो वो पैन आप है तो पहले हमने एंगल्स डिस्कस करिए, देन वील कम टू लाइन्स. नाउ एंगल्स आप सबको पता है, आप सबने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंगल्स. सो देर आर सम टाइप ऑफ एंगल जो हमें बहुत अच्छे से पता है, विच आर एक्यूट एंगल. ये वो एंगल्स है जिनके हमने नाम सुन रखे हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, देन वी हैव राइट एंगल, देन वी हैव स्ट्रेट एंगल, देन वी हैव रिफ्लेक्स एंगल, राइट. सो ये बेसिक नेम्स है जो हम सबने एंगल्स के सुने हुए. एक्यूट एंगल मीन्स विच इज लेस देन 90 डिग्री, राइट. ऑब्ट्यूज एंगल्स आर विच आर more than 90 degree, right? Then right angle is equal to 90 degree. An angle which is equal to 90 degree is right angle. Then straight angle equals to 180 degree, like this, right? Then reflex angle होते हैं which is more than 180 degree, जो कि हम ऐसे इस तरह से उल्टी साइड बनाते थे, right? So ये angles वो हैं जो हम सबने अच्छे से छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं. अब इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे, दे आर रिलेटेड एंगल्स, मींस कि इन एंगल की मेजर्स का सम कितना होता है, या किस तरह से जो इन्हीं एंगल्स पे बेस्ड होते हैं वैसे एंगल्स हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंगल. नाउ द फर्स्ट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसमें दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे दो एंगल्स ड्रॉ करती हूँ, लेट्स सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. नाउ इफ आई आस्क कि क्या ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सो इनके मेजर्स को हम ऐड करेंगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. नाउ 30 प्लस 60 इज 90, सो वी हैव 90 डिग्री, राइट. नाउ सिंस इनके मेजर्स का सम 90 डिग्री है, सो दिस मीन्स ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट. सो क्वेश्चंस आपके पास इसके भी जैसे आ सकते हैं कि आपको ऐसे पेयर्स गिवन हो कि आप बताओ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं. अदरवाइज एक और तरीके से आ सकता है कि आपको गिवन है कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिसमें से एक का मेजर आपको गिवन है 50 डिग्री और दूसरा आपको फाइंड करना है. सो इट इज गिवन कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक आपके पास 50 गिवन है, एक आपको फाइंड करना है. सो सिंस दूसरा एंगल आपको नहीं पता, तो हम इसको x लेट कर लेंगे कि दूसरा एंगल x डिग्री हो गया. नाउ इन दोनों का सम विच इज 50 प्लस x, राइट. सो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा. अब हमें x फाइंड करना है, सो x विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50. 50 यहाँ पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा. नाउ 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री. सो दिस मीन्स द अदर एंगल इज 40 डिग्री. सो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक गिवन है, दूसरा फाइंड करना है, या आपको दोनों पेयर्स गिवन है एंड आपको फाइंड करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं. सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स में होता है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 100 डिग्री एंड 80 डिग्री,
राइट। अब आपको ये पैर गिवन है कि एक एंगल 100 डिग्री का है, एक एंगल 80 डिग्री का है, सो वी हैव टू टेल कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो ये फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को एड कर देंगे, सो 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री। अब सिंस इन दोनों का सम 180 डिग्री है, सो दिस मीन्स कि ये पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। नाउ सिमिलरली जैसे इसमें एक ही तरीका हो सकता है कि आपको पेयर गिवन है, आपको बताना है वो सप्लीमेंट्री है या नहीं, अदरवाइज इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक एंगल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इफ आई से कि एक एंगल 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है, राइट। एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा आपको फाइंड करना है, एंड ऑल्सो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, सो सिंस ये दोनों सप्लीमेंट्री है, सो 70 डिग्री प्लस यहां पे हमें गिवन नहीं है, सो इसको एक्स ले लेते हैं, सो प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। नाउ आपको एक्स फाइंड करना है, सो एक्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 यहां पॉजिटिव होता जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री, सो दिस मीन्स जो हमारा दूसरा एंगल होगा दैट विल बी 110 डिग्री, ओके। सो दिस वॉज अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 डिग्री है, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंगल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जब वो तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेंगे, सो वो तीन प्रॉपर्टीज क्या है, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज कॉमन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, इफ आई हैव दिस एंगल सो ये होती है इसकी वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट है कॉमन आर्म, आर्म इज ये जो लाइंस पास होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, सो ये एक एंगल की आर्म्स है, ओके। सो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉट नेसेसरी कि साथ दोनों आर्म्स कॉमन हो, कोई एक भी अगर कॉमन आर्म है, देन द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। अब जो थर्ड पॉइंट है दैट सेज कि नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड मतलब कि जो उसकी कॉमन आर्म होगी उसकी बाकी दोनों साइड्स पे एक अनकॉमन का आर्म होनी चाहिए दोनों एंगल्स की। अब इसका एग्जांपल लेते ताकि आपको इसे और अच्छे से समझ आए। सो यहां पे इफ आई ड्रॉ दिस, लेट्स नेम इट ए ओ बी एंड लेट्स नेम इट सी। सो वी हैव एंगल ए ओ बी, दिस एंगल एंगल वन, राइट। देन एंगल बी ओ सी एंगल टू, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है। अब आपको बताना है क्या एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल्स है, मीन्स एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट है या नहीं। सो हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, सो वी हैव सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स, तो क्या इन दोनों एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स है, यस ओ इज द कॉमन वर्टेक्स, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, देन कॉमन आर्म, सो यहां पे ए ओ बी और बी ओ सी में ओ बी दिस वन इज द कॉमन आर्म, ठीक है, यहां पे ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स में। लास्ट पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। अब इस कॉमन आर्म की दोनों साइड पे एक अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म है मीन्स बी ओ सी में ओ सी है, ए ओ बी में नहीं है। सिमिलरली ए ओ बी में ए ओ है लेकिन बी ओ सी में नहीं है, मतलब कि दोनों एंगल्स की एक आर्म डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ सिंस ये तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं, सो बोथ दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, करेक्ट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लास्ट पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म इन ईदर साइड ये कब नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज
अगेन मैं सेम स्ट्रक्चर बना रही हूँ. लेट्स ड्रॉ दिस एंगल एंड लाइक दिस. ओ दिस इज अगेन ए बी सी. अब जो हम एंगल्स लेंगे दे आर ए ओ बी दिस एंगल. सो ए ओ बी एंड ए ओ सी मतलब ये पूरा एंगल. सो ए ओ सी. अब हमने यहाँ पे दो एंगल्स लिए हैं ए ओ बी विच इज एंगल वन. देन ए ओ सी दिस कंप्लीट विच इज एंगल टू. दो एंगल्स लिए. अब आपको बताना है कि क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं. सो अगेन वील गो विथ दिस पॉइंट्स. सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स. सो ए ओ बी और ए ओ सी में ओ इज द कॉमन वर्टेक्स राइट. ओ दोनों में आ रहा है. इसमें भी ओ आ रहा है एंड इसमें भी ओ है. देन नेक्स्ट है कॉमन आर्म. अब क्या है दोनों की कोई कॉमन आर्म है. ए ओ सी ए ओ बी. सो ए ओ यहाँ पे कॉमन है राइट. ए ओ बी में भी ए ओ आ रही है. वी कैन राइट इट एज ओ ए एंड ए ओ एक ही बात है. सिमिलरली ए ओ सी में भी ए ओ आ रही है. सो दिस मीन्स वी हैव अ कॉमन आर्म ऑल्सो. नेक्स्ट है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड. क्या इस कॉमन आर्म की दोनों साइड पे कोई नॉन कॉमन आर्म है. नहीं. इन दो एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म इसकी दोनों साइड पे नहीं है. सो अगर एक पॉइंट भी फुलफिल नहीं हो रहा सो दिस मीन्स ये दोनों एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स. ओके सिंस लास्ट पॉइंट हमारा फुलफिल नहीं हुआ तो मीन्स ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. नाउ आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड्स का क्या मतलब है. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट एडजेसेंट एंगल्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ द नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स आर लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर कौन से होते हैं. दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास दो एंगल्स है. वन इज दिस वन अदर वन इज दिस वन. सो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. सो लीनियर पेयर जो भी होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होते हैं. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऐसे ही फॉर्म हो. अगर आपके पास इस तरह से लेट्स सपोज कुछ गिवन है. सो ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर आपके पास ये एंगल है और ये एंगल है. सो ये पूरा एंगल लीनियर पेयर है विच इज 180 डिग्री. ओके अब इसके बीच क्वेश्चन कैसे आते हैं. आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज ये एंगल गिवन होगा 80 डिग्री. ठीक है ये आपको गिवन है. इतना एंगल 80 डिग्री है. रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड करना है. सो रिमेनिंग एंगल क्या होगा. एक्स ले लेंगे हम. सो दैट विल बिकम 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या होगा. लीनियर पेयर बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. नाउ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. सो 180 माइनस 80 इज 100. सो एक्स इक्वल्स टू 100 डिग्री. तो इसकी हेल्प से आप एक एंगल फाइंड कर सकते हो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा होगा तो. ओके सो दिस इज लीनियर पेयर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं विच आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो वेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर तो जो ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन. ये दोनों ऑपोजिट एंगल है और वी कैन कॉल देम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. सो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं. सिमिलरली ये दोनों एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट है. ओके सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि जो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ अगेन इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. हो सकता है आपको ये गिवन हो 30 डिग्री एंड ये पूछा हो कि ये एंगल कितने डिग्री का है. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो दिस मीन्स इफ दिस इज 30 डिग्री सो दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. ओके सो दिस इज अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. सो यहाँ पे इन लाइंस को हम बोलते हैं
इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इन लाइंस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जैसे कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसके क्वेश्चंस क्या होंगे, सी अगर आपको गिवन है दिस इज 30 डिग्री, लेट सपोज लेट कर लेते हैं ये 30 डिग्री है एंड आपको ये फाइंड करना है। सो सिंस दिस इज 30 डिग्री, सो जो हमारा एक्स है दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। वाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो इफ दिस एंगल इज 30 दिस विल ऑल्सो बी 30। सिमिलरली इफ दिस इज 90 लेट सपोज, सो दिस विल ऑल्सो बी 90। ओके, सो दिस वॉज अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर्स ऑफ लाइंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पेयर ऑफ लाइंस, जिसमें हम दो लाइंस डिस्कस कर रहे हैं। वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है एंड यहां से एक लाइन पास हुई, इन दोनों का ये पॉइंट कॉमन है। सो सिंस दे हैव अ कॉमन पॉइंट, सो वी कैन से बोथ दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। लेट्स सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, सो एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑल्सो ये जो कॉमन पॉइंट होता है या जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को वी कॉल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? आफ्टर दिस इंटरसेक्शन लाइन के बाद, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई नो आपको वैसे भी पता होगा, इसके बाद एक आती है ट्रांसवर्सल। सो व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन होती है अगर आपके पास दो लाइन्स है, विच कैन बी एनी लाइन्स। लेट सपोज ये आपके पास दो लाइन्स थी, अब इन दो लाइन्स को अगर एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे वो कट कर रही है दो लाइंस को, सो वी विल से दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो दिस इज पी, दिस इज एल एंड एम, सो वी कैन से पी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम। सो दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, व्हेन वी हैव अ ट्रांसवर्सल, तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दोस एंगल्स नाउ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल्स बनते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले वी कैन सी वी हैव लाइन एल एंड लाइन एम, दिस इज एल दिस इज एम एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल, सो पी इज अ ट्रांसवर्सल ऑन एल एंड एम। अब यहाँ भी मैंने कुछ एंगल्स मार्क करे, लाइक आई हैव एंगल वन विच इज दिस एंगल, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट, सो वी हैव एट एंगल्स। अब इन एंगल्स में क्या क्या रिलेशन होता है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ये वी विल स्टडी दैट। सबसे पहले इफ आई से व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे, सो इंटीरियर एंगल्स ये देखो, ये दो लाइंस है, इसके अंदर जो एंगल्स आ रही है दे आर इंटीरियर एंगल्स। लाइक वी हैव एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल थ्री, एंगल सिक्स, सो ये जो एंगल्स है अंदर वाले ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इफ आई से व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल्स, अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, अगर इंटीरियर एंगल्स ये अंदर वाले हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स इन लाइन के जो बाहर एंगल्स है, लाइक वन टू एट सेवन, राइट? सो एंगल वन, एंगल टू, एंगल सेवन, एंगल एट। ओके, नाउ दिस वॉज इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको एक बार समझाती हूँ। सो दो लाइंस है, एक उस पे ट्रांसवर्सल है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम पोजीशंस पे होते हैं, जैसे कि ये एंगल, अब इस लाइन पे ये एंगल ऊपर है, राइट?
सो इस एंगल पे भी ये एंगल ऊपर होगा. सो मींस ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सिमिलरली ये एंगल जो है दिस वन, ये इस लाइन और ट्रांसवर्सल के यहां पे बन रहे. सिमिलरली इसका जो सेम होगा इट विल बी दिस वन, इस लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के साथ. सो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग. अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब चलते हैं अपनी फिगर पे. सो वन से स्टार्ट करते हैं. वन यहाँ पे है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? फाइव. लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के साथ, ये वाला है लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के साथ फाइव है. सो एंगल वन एंड फाइव. नेक्स्ट टू, टू की पोजीशन पे कौन सा है? सिक्स. इस तरह से, इस तरह से लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की उस साइड, लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की इस साइड, तो कौन से हैं? टू एंड सिक्स. सो एंगल टू एंड एंगल सिक्स, ये हो गए दो पेयर्स. अब आ जाते हैं एंगल फोर पे. फोर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा है? एट. सो फोर और एट कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो एंगल फोर एंड एंगल एट. नेक्स्ट बचा एंगल थ्री. सो एंगल थ्री की पोजीशन पे नीचे कौन सा है? एंगल थ्री कहाँ है? लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट में, लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट में एंगल सेवन है. सो एंगल थ्री एंड एंगल सेवन. ओके, ये थे हमारे तीन एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट आते हैं वी हैव ऑल्टरनेट एंगल्स. अब ऑल्टरनेट एंगल्स जो है उसके दो पार्ट्स में होते हैं. वन इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, सेकेंड इज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट भी बोलते हैं, तो कुछ भी चलेगा. इंटीरियर ऑल्टरनेट मीन दैट इट एज ऑल्टरनेट एंगल्स. अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स होते कौन से हैं? सो अगेन लेट्स सपोज ये दो लाइंस हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल. अब इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर आपका ये एंगल है सो इसके ऑपोजिट में, इस तरह से ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट वाला नहीं, इस तरह से अंदर ही जो बनेगा दिस वन. सो ये दो एंगल्स जो ऐसे एक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सिंस हम अभी इंटीरियर की बात करें तो हम अंदर वाले एंगल्स देंगे. सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एन एक्स. नाउ पहले हम इस एंगल का इसमें पेयर्स निकाल लेते हैं. सो एंगल फोर एक्स किसके साथ जाएगा? सिक्स के साथ. सो एंगल फोर एंड एंगल सिक्स, राइट. नेक्स्ट है फोर और सिक्स के बाद फाइव और थ्री, बिकॉज ये भी क्रॉस में बन रहा है. सो एंगल थ्री एंड एंगल फाइव. ओके, सो ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. जैसे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वैसे ही आपके पास एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं. इंटीरियर में हम अंदर वाले एंगल्स को देखते हैं, एक्सटीरियर में हम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स को देखते हैं. सो अगेन इस तरह से अगर आप इंटीरियर में नहीं जाना, एक्सटीरियर में जाना, तो इसके ऑपोजिट साइड या एक्स फॉर्म करता हुआ ये वाला एंगल होगा. सिमिलरली यहां से दिस वन, राइट. सो अब इस फिगर में देखते हैं एक्सटीरियर एंगल वन है, वन का क्रॉस में कौन सा आ रहा है? सेवन. सो एंगल वन एंड एंगल सेवन, राइट. एंगल वन एंड सेवन, देन टू के एट. सो एंगल टू एंड एंगल एट, राइट. सो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ द लास्ट एंगल्स आर एंगल्स ऑन दी
same side of transversal. Also it is mostly जो आता है वो होता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3, 4, 5, 6, राइट. अब सेम साइड पे कौन से है? 3 और 6 सेम साइड पे है, 4 और 5 सेम साइड पे. सो पेयर्स हो गए 3 and 6, देन 4 and 5. So these are the pairs of interior angles on the same side of transversal. So यहाँ पे हमने 6 types के angles discuss करे जो कि transversal से form होते हैं. Interior angles, exterior angles, corresponding angles, interior alternate angles, exterior alternate angles and interior angles on the same side of transversal. Okay, now let's come to the next topic. Now our next topic is ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, सो इन लाइंस को आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. और वी कैन से जिनके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहता है. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होता है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी. सो वो होता है पैरेलल लाइंस. अब पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल ऑब्वियसली. नाउ वी कॉल इट ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. सो लेट्स सपोज दिस इज पी एंड दिस इज एल एंड एम. सो एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल. नाउ अगर आपको गिवन है कि दो पैरेलल लाइंस है और देन उसपे एक ट्रांसवर्सल है, सो उसमें क्या होता है? अभी जो हमने एंगल्स डिस्कस करे, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब एंगल्स तो यहाँ पे भी सेम बनेंगे, राइट. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम बात करें, सो यहाँ पे भी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग. सिमिलरली दिस एंड दिस, this and this. So इस तरह से ये है corresponding angles. अगर lines दो parallel है वहां पर transversal है, तो ये corresponding angles equal होते हैं. जो भी pair of corresponding angle है वो equal है. Means अगर ये आपको 60 degree given है, तो इसका corresponding ये है. This will also be 60 degree, provided कि ये जो transversal है ये parallel line पे है. So this means corresponding angles are equal, right? Next we have started about alternate angles, right? Alternate angles हमारे पास interior भी होते हैं, exterior भी होते हैं. So again, transversal अगर parallel lines पे है, so ये जो alternate angles हैं, they are also equal. Means अगर parallel line है, ये transversal है, so if this angle is 60 degree, तो ये angle भी 60 degree. Okay, next we have last video सबसे हमने किया था, that was interior angles on same side of transversal, right? अब जो interior angles होते हैं same side of transversal, same side of transversal means ये जो angle है, so this angle and this angle, तो ये दोनों angles, अब ये इक्वल नहीं होगा. अगर लाइन पैरेलल्स है, ये ट्रांसवर्सल है, सो जो आपके पास एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो सप्लीमेंट्री होंगे, दे आर नॉट इक्वल. ये गलती हो जाती है हमसे कि ये सेम साइड पे तो मतलब ये भी इक्वल हो गए, बट ऐसा नहीं होता. दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. नाउ व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. ओके, सो ये सब जो हमने लिखा है कि एंगल इक्वल होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे, वो तभी पॉसिबल है अगर ये ट्रांसवर्सल जिन लाइंस पे है वो लाइंस पैरेलल. ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, एंड जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो वो आपको बहुत ईजी होंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.